नाउ स्टार्ट कॉन्सेप्ट डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, डेटिव बॉन्ड बनने के लिए एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर होता है। दोनों के बीच में लोन पेयर का क्या होता है? शेयरिंग। एक के पास लोन पेयर होता है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। डोनर के पास क्या होता है? लोन पेयर। और एक्सेप्टर के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस डोनर और एक्सेप्टर के बीच में क्या होता है? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, लोन पेयर का, मतलब वही। समझ में आ गया ना? तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये सब लिख लिए थे, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। हेड किधर होगा? हेड किधर होगा? टुवर्ड्स एक्सेप्टर। और टेल किधर होगा? टुवर्ड्स डोनर। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 53 पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब वन बाय वन उस एग्जाम्पल्स को करते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, H3O+। H3O+ H3O+ क्या? ऐसा करते हैं, प्लस वाला हटाते हैं पहले, सिंपल वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम बनाएंगे तो ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, बन तो पाएगा नहीं, ये तो बॉन्ड ऐसा एग्जिस्ट करेगा नहीं, बाकी हमारे बॉन्ड बनाने की कोई संभावना है नहीं। तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में, अब पहले समझना कि वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ कहाँ है। कार्बन के पास 1s2, ये लिखने का मतलब ये मैं समझा रहा हूं कि तुम्हें इस चीज को दिखे कि वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है। 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझना, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1, 2, 3, 4। अब यहां पर कार्बन का जंपिंग नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कार्बन चार बॉन्ड बनाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहां पर वैसा नहीं बनेगा, वो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, मतलब वैसा ही रहेगा। अब ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्सीजन के बारे में सोचे पहले हम, 1s2, 2s2 और 2p4। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां है और चार इलेक्ट्रॉन यहां है। मैं ये सब बनाने के इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लोन पेयर कहां है वो चीज दिखे। अब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से भी देखना है और यहां से भी देखना है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसके साथ क्या किया? शेयर किया। शेयर करने के बाद क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। देखो कैसे, दो इलेक्ट्रॉन यहां है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हुआ ना। अब इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर कार्बन जब चार बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो कार्बन यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन यहां ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। और दो बॉन्ड इसने बना लिया, एक लोन पेयर बाकी है, यानी कुल मिला के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है?
काउंट करके देखो एक बार, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि तुम्हें दिखे कि वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब इन ग्राउंड स्टेट, इन सीओ, इन सीओ मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सीओ मॉलिक्यूल्स, कार्बन विल फॉर्म टू बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। क्या जंपिंग तो हो रहा था लेकिन हुआ क्या? नहीं, केवल किस स्टेट में बॉन्ड बना रहा है, ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड, लेकिन आफ्टर फॉर्मिंग, आफ्टर शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन का तो पहले जैसा होता था वैसा ही हो रहा है अभी भी। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, बना नहीं रहा है यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं बनाना। लेकिन चार बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन इधर उधर हो जाएगा, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट का जनरेशन हुआ। अब इस केस में कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा इंटरनली, तो कार्बन यहां दो बॉन्ड बनाएगा इन ग्राउंड स्टेट। आफ्टर दैट इट हैज वन वैकेंट ऑर्बिटल, आफ्टर दैट इट हैज, जब बॉन्ड बना लिए इसने, ये जंपिंग पॉसिबल है लेकिन हम जंपिंग कर नहीं रहे, क्योंकि करके क्या करेंगे, चार अनपेयर्ड हो जाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड तो बनेगा नहीं यहाँ पे, तो हम क्यों करेंगे जंपिंग, तो हम करवा नहीं रहे ऐसा। वो उसके अंदर इंटरनली बॉन्ड बन रहा है, तो हम लॉजिक केवल दे रहे हैं, हम लॉजिक दे रहे हैं कि इसलिए जंपिंग पॉसिबल यहाँ नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन जंपिंग करके क्या करेंगे, चार अनपेयर्ड हो जाएगा, चार बॉन्ड थोड़ा ना बनाएगा ये, इसको अनपेयर्ड करके हम क्या करेंगे, तो इसको हम पेयर्ड ही रहने देंगे। समझ में आया क्या? ये दो अनपेयर्ड है, दो बॉन्ड बनाया है। आफ्टर दैट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, 1, 2 और शेयरिंग वाला 3, 4, 5, 6, ये भी काउंट होगा ना, और इसके पास 2, 4, 5, 6 और शेयरिंग में 7 और 8, इसका 8 कंप्लीट है, इसका 6 है। अब होगा क्या इस कंडीशन में, ये समझ में आया ना, यहाँ कार्बन कितने स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में, दो कोऑर्डिनेट, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में ये वाला, और ये लोन पेयर ऐसा ही रह जाएगा। अब इस केस में तुम बताओगे कि ये लोन पेयर इसको दिया जाएगा, या ये लोन पेयर ऑक्सीजन लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, या कार्बन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो अब क्या होगा इसके पास, क्योंकि दो बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो ऑक्टेट एटलीस्ट तो कंप्लीट कर ले अपना। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरा देखो ऑक्टेट कंप्लीट है और मेरा लोन पेयर बचा हुआ बिना काम का है, क्या लोन पेयर इसके कोई काम का है गया? नहीं, तो बोलेगा मैं तुम्हें शेयरिंग करने के लिए दे रहा हूं, तुम उसको यूज करो, तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो उस केस में इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने का मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है, डोनेट करने का मतलब क्या हुआ, ये लोन पेयर यहां बीच में रख दिया, रख देगा, बोलेगा तुम भी यूज करो और हम भी यूज करेंगे। ये नहीं कि हम डोनेट कर दिए तो 8 से 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बीच में रख देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, बोलेगा तुम भी यूज करो, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब मेरा तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ही। तो यहां लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, तो ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट बोल दिया जाता है कि डोनेट कर दिया, तो डोनेट का मतलब ये मत सोच लेना कि हमेशा के लिए इसको दान में दे दिया, नहीं, वो बीच में रख दिया कि तुम भी यूज करो और हमारा तो है ही है। तो ऐसे केसेज में ये लोन पेयर जो है वो इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट आ जाता है, और यहां पर अब ये जो है डोनेट करने के बाद, अब इसके पास काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं एक बार इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ये लोन पेयर यहां बीच में रख दिया गया, ये इसको भी यूज कर रहा है और इसको भी यूज कर रहा है,
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और इसका तो 8 कंप्लीट ही था। ये मत सोचना कि 8 जब डोनेट कर दिया तो 6 हो जाएगा, 2, 4, 5, 6, 7 और 8 8 अभी भी है इसका। तो यहाँ लोन पेयर का शेयरिंग हुआ किसके बीच में, दिस वन इज डोनर और दिस वन इज एक्सेप्टर के पास क्या होना, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। समझ में आया क्या? अब मान लो इसको नहीं देगा लोन पेयर, अब लोन पेयर जब देगा तो इसके पास ऑलरेडी 2 है और जब 2 देगा तो 3 हो जाएगा। क्या एक बॉक्स में 3 होते हैं क्या? नहीं। इसीलिए किसको दिया जाता है? वैकेंट ऑर्बिटल को, क्योंकि एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। अब इसको हमें हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर पेयर होते हैं। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट किस कंडीशन में बनेगा, समझ में आ रहा है ना किस कंडीशन में बन रहा है, जहां पर बॉन्ड पॉसिबल नहीं है बनाना, वैसे केस में ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाता है। मतलब तुम डोनेट करने का मतलब समझ में आ गया ना, ये मत दिमाग में लाना कि हमेशा के लिए दान में दे दिए, नहीं, बीच में रख दिया है, शेयरिंग कर रहा है, तुम यूज कर सकते हो। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर का शेयरिंग होता है डोनर एटम के बीच में और एक्सेप्टर के बीच में। डोनर एटम अपना लोन पेयर शेयर करता है इस वैकेंट ऑर्बिटल को, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको हम एरो से दिखाएंगे, दिस वन इज डोनर एटम, डोनर एटम, समझ में आ गया ना। और ये एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम के पास क्या है और इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब देखो, अब यहां पर ये मत सोचना सर कार्बन 3 बॉन्ड बना दिया, यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना दिया, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया चलेगा यहां पे इस ऐसे केस में, लेकिन ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का हुआ कि नहीं हुआ, काउंट कर लो यहां पे। अब कैसे काउंट करेंगे ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये भी काउंट होगा ना क्योंकि शेयरिंग में है, तो इसका 8 कंप्लीट हो गया ना, और इसका 8 तो कंप्लीट है ही। तो ऐसे केस में मैं नहीं काउंट करेंगे सर यहां तो कार्बन 3 बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दिया यहां पे, नहीं, कोऑर्डिनेट के केस में हम देख रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका। समझ में आया क्या? तो जहां बॉन्ड बनना पॉसिबल है वहां हम बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गया? तो मैं ये सब इसलिए बताया हूं ताकि तुम्हें दिखे कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है और इसके पास लोन पेयर यानी एक्सेप्टर के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है, डोनर के पास कैसे लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहां 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर का शेयरिंग होता है डोनर और एक्सेप्टर के बीच। समझ में आ गया क्या? इसको राइट डाउन करो, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई डाउट नहीं है ना। लोन पेयर कौन डोनेट होगा, ऑक्सीजन वाला, एस वाला या पी वाला? क्यों? ये वैकेंट ऑर्बिटल कहां का है और ये कहां का है? तो पी में शेयरिंग क्या होगा, अच्छा होगा, एस और पी में उतना अच्छा नहीं होगा, पी और पी में शेयरिंग क्या होगा, अच्छा होगा, ये पी वाला है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बोल रहा हूँ, ये पी में नहीं, एस में ही है। हाँ, ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। उसका क्या करना है यहाँ पे, हंस रूल से यहाँ क्या लेना देना है? ये तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, लोन पेयर का शेयरिंग, एक्सेप्ट डोनर के पास लोन पेयर होना और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है ना,
तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आया ना, ये तो ये वाला है, शेयरिंग हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन है कार्बन है, ये लोन पेयर जो है ना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर हो जाएगा, ऐसे शेयरिंग हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पर एक लोन पेयर और इस वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में शेयर हो जाएगा। ये पी वाला वैकेंट है, ये पी क्या है, ये वैकेंट है ना पी वाला, और ये क्या है, ये पी में क्या है, इस पी में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तो किसके बीच में शेयरिंग हुआ, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एग्जांपल ले, चलो पहले हम नाइट्रोजन वाला जितने भी एग्जांपल है उस सबको करेंगे। तो ये जितने भी एग्जांपल करवाएंगे उसको ध्यान में रखना है कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इन कार्बन मोनोऑक्साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल फॉर्म। अपने मन से जहां बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बना देना, जहां पर बनता है वहीं बनाएंगे हम। यानी कि सर यहां भी बना देंगे क्या? जहां पर पॉसिबल वहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं NO2। NO2 कल समझाया भी था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। NO2 समझाया था ना, चलो कल बताया था ना NO2 वाला, चलो फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो 2 ऑक्सीजन है, तो अब क्या होगा, यहां पर ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। तो बॉन्ड तो बन गया ऑक्सीजन का, लेकिन कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया, सॉरी नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, गलत है, 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। इसका मतलब हमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है जिसमें हम NO2 का बॉन्ड बना सके। कोई दिख रहा है ऐसा पॉसिबिलिटी, कोई दिख रहा है तो बताओ। अब हम ऐसे केसेज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कैसे, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो पहले एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बन गया एक ऑक्सीजन का। अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है तो इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, नहीं है अभी, लेकिन 1s2, 2s2 और 2p4, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, वैकेंट तो है नहीं। अब इसमें डोनर कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा, कैसे समझ में आएगा डोनर कौन है एक्सेप्टर कौन है। नाइट्रोजन के बारे में भी देख लो, 1s2, 2s2 और 2p3, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक एक चीज समझना है, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है उसका अपने आप से आंसर लेना है। कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 3 है, 3 अनपेयर्ड में कितना बॉन्ड बना लिया इसने, ये बॉन्ड बनाया तो अनपेयर्ड होगा ना, ये एक अनपेयर्ड है जो कि ऐसे बचा हुआ है, अभी किसी काम का नहीं है। ये क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन के अंदर इसका तो बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बना लिए है, अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या होगा इसके पास, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है पहले पेयर्ड बनाएगा। अरे बोलोगे सर ये तो हम अनपेयर्ड कर रहे थे, अभी पेयरिंग कर दिया हमने, तो ये पेयरिंग हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। तो इस ऑक्सीजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे,
पेयर्ड हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्यों पेयर्ड हो गया? क्योंकि उसको ये डोनेट जब करेगा इसके पास क्या होना, ये दिस वन इज ए डोनर, समझ में आ गया? तो डोनेट करने के लिए दिस वन इज डोनर, ईआर होता है कि ओआर होता है, और दिस वन इज एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के पास क्या होना, वैकेंट ऑर्बिटल, और डोनर के पास क्या होना, लोन पेयर तो है। तो ये अपने आप हमें यहां नहीं दिख रहा है कि सर कहां पर है आप वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएगा और ये वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। अब उस केस में ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, शेयर करेगा, डोनेट कर देगा। तो ये लोन पेयर जो है ये वाला इस ऑर्बिटल्स को जाएगा, मतलब शेयरिंग में जाएगा, नहीं कि यहां से उड़ के दोनों यहां चला गया, बीच में रख दिया कि तुम भी यूज करो हम भी यूज कर सकते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट काउंट करो कितना हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6, 7, 8, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसका? अब इसके पास काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका? नहीं हुआ, फिर भी ऐसा ही बॉन्ड बनेगा, फिर भी बॉन्ड ऐसा ही बनेगा। ऑक्टेट हमेशा हर जगह ऑक्टेट थोड़ा ना कंप्लीट हो रहा है, होता है क्या हर जगह ऑक्टेट? तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने हैं, 2, 4, 6, और ये दो काउंट होंगे ना, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखा, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर्ड हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और ये इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो कहीं कहीं कुछ कुछ एग्जांपल्स में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, बहुत सारे एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन NO2 के केस में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी बहुत रेयर जगह आता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक बच गया यहाँ पे, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पेयरिंग में जाता ना तब जाके ये क्या होता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता। तो खैर कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है NO2 में। तो दिस वन इज ए डोनर और दिस वन इज एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल दिख गया, कैसे आ रहा है ना, एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे दिखा, वो अपने आप में क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। तो यहां नाइट्रोजन डोनर है और एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, समझ में आ गया NO2 वाला, ये आपको ऐसे बनाना है। ये मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं, बाद में डायरेक्ट बनाओगे आप। तो यहां नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, 2 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, दिस वन इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दिस वन इज कोवैलेंट। तो कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ही हो रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, और कोऑर्डिनेट में दो, एक लोन पेयर का और एक वैकेंट ऑर्बिटल का शेयरिंग होता है। एक लोन पेयर कहां का है, ये लोन पेयर कहां का है, एस का है, ये एस वाला ये किसको दे रहा है, पी को दे रहा है। तो एस में और किस में ओवरलैपिंग होगा, पी में। तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, खाली है, वैकेंट है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, समझ में आया क्या? ये वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर के बीच में शेयरिंग हो जाएगा। इसको लिख लो, लिख लिए, यहां पर ध्यान देना, यहां लिख लेना कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और पेयर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जितना भी कोऑर्डिनेट बनेगा सब ये धीरे धीरे आते रहेगा, ऐसा नहीं कि
नेक्स्ट हम लेते हैं N2O3, N2O3 N2O3 का बॉन्ड कैसे बनाएंगे? N2O3 का बॉन्ड बनाओ, बना लिए। ये दोनों गलत है, जैसा मन करेगा वैसा नहीं बॉन्ड बना देंगे। हालांकि बन रहा है लेकिन ये साइकिल नहीं बनाना है, साइकिल अनस्टेबल होता है। अब क्यों अनस्टेबल होता है? जब बॉन्ड एंगल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मान लो कोई चीज बॉन्ड एंगल, मान लो ये दो मार्कर है, चाहे स्प्रिंग, स्प्रिंग समझ रहे हो तुम, स्प्रिंग मान लो इतना पर रह रहा है, स्प्रिंग को तुम दबा के रखोगे तो अनस्टेबल रहेगा ना, उसको छोड़ोगे तो भागेगा। तो यही स्प्रिंग के जैसा, ये दो बॉन्ड एंगल, ये रहना चाहते इतना एंगल पे और ये रख रहे इतना पे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आता है, टेंशन आता है इसके अंदर, इसकी वजह से अनस्टेबल होता है। ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम जो मन करेगा वो नहीं बना देंगे। इसका बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनाएंगे N और N, इसमें NON नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे हम, ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया क्या? NON हम नहीं बनाएंगे। अब यहां पर दो तीन बॉन्ड हो गया ना, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो, अब एक और ऑक्सीजन बाकी है। तो यहां लोन पेयर है कि नहीं है? है ना। नाइट्रोजन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पांच, पांच में से तीन बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो तुम्हें याद करो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑक्सीजन में, तो वो लोन पेयर लेने के पहले वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार दिखा दिया हूं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बार बार आएगा, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर्ड। तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, और इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर उस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या कर देगा? शेयर्ड कर देगा। समझाया गया? तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाएगा। तो याद रखना, एक बार समझा चुका हूं कि ऑक्सीजन के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगा, और ये ऐसा ही रह जाए। तो इसीलिए नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का काउंट करो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? ये वाला तीन कोवैलेंट है और एक कोऑर्डिनेट, इसीलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम जो वैलेंसी होता है ना वो चार होता है। चार कोवैलेंट नहीं बनाता हो, तीन कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट वो बना सकता है। चार बॉन्ड नहीं बना देना है, लेकिन तीन कोऑर्डिनेट और एक कोवैलेंट इसको बनाना अलाउ है, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड चार होता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पांच होता है।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 होता है नाइट्रोजन का, यहां नहीं होगा, समझ में आया क्या? N2O5 में होता है, यहां तो प्लस 3 होगा, लेकिन मैं मैक्सिमम कोवैलेंसी के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन यहां तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, साथ में कोऑर्डिनेट बनाएगा, इसने केवल तीन कोऑर्डिनेट बनाया, तीन कोवैलेंट बनाया है, कोऑर्डिनेट नहीं बनाया है। तो ये नाइट्रोजन को बनाना अलाउ है, तीन कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट, समझ में आएगा? तो ये सर बोलोगे सर ये फिर गलत क्यों है, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में ऐसा नहीं है, यानी कि पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब कंपाउंड हमें मिलता है, ऐसा नहीं है, पहले कंपाउंड है उसके बाद हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हम ड्रॉ करेंगे उसके अनुसार से कंपाउंड होगा, हम पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं उसके बाद बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, नहीं, बिल्डिंग तैयार है उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये कंपाउंड ऑलरेडी इस दुनिया में है उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है ड्रॉ करते समय उस चीज को, कभी कभी बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है उसके बाद हमें अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हो सकता है उसको फॉलो करें भी नहीं भी करें, तो चीजें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही बॉन्ड बनेगा, समझ में आएगा? इसको ड्रॉ कर लो, कोई डाउट है? नेक्स्ट बनाओ N2O4 का, ऐसा ही बनाना है, कोऑर्डिनेट ही बनाना है, ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला में कोऑर्डिनेट ही बनता है, N2O4 बनाओ, बना लिए N2O4 इन डबल बॉन्ड ओ, इन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया, NON नहीं बनाना है, ध्यान रखना है चीज को। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है और यहां क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा, आफ्टर पेयरिंग इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा और इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, डोनेट, हाँ शेयर कर देगा, तो नाइट्रोजन को तीन कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाना अलाउ है, तीन कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाना अलाउ है, और इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, हो गया ना, 2, 4, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये नहीं देखेंगे हर जगह ऑक्टेट कंप्लीट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट है। नाइट्रोजन का क्या है, मैक्सिमम क्या बना सकता है, तीन कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट, तो यहां पर तीन कोवैलेंट है और प्लस 1 कोऑर्डिनेट है, तो ये जितना भी एग्जाम्पल है ना वो लिमिटेड है इसका, तो याद रखना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला केस वाला ज्यादा आ रहा है, फिर हम दूसरे वाला एग्जाम्पल लेके आएंगे। नेक्स्ट बनाओ N2O5 का, N2O5 में NON बनाना है आपको, क्या बनाना है, NON, उसके बाद खुद तैयार करो बाकी स्ट्रक्चर, N2O5 में NON आपको ड्रॉ करना है, N2O5 में NON आपको ड्रॉ करना है, बन गया, तो N2O5 में आपको क्या बनाना है, NON, और यहां पर एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना दिया, तीन ऑक्सीजन, दो, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, तीन, दो और ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन कितना बनाया, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड और ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, सबका बॉन्ड कंप्लीट है ना, लेकिन अभी दो ऑक्सीजन और है, और यहां पर क्या है, तो ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड, और उसके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन को तीन कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाना अलाउ है। कोई डाउट है? नेक्स्ट बनाओ आप N2O का, NO2 का नहीं, N2O। कैसे बनेगा N2O का, आसान है ना बनाना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या बना दो, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके पास लोन पेयर है, या तो इसके पास है या तो इसके पास है, दोनों वाला कोई ले सकते हो, और ये किसको डोनेट कर देना है, ऑक्सीजन। क्योंकि दूसरे तरीके से बॉन्ड नहीं बनेगा, साइक्लिक नहीं बनाना है, साइक्लिक अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड एंगल जो लगभग 180 डिग्री के बराबर है, कोई चीज अगर मान लो 180 डिग्री पर रहना चाहता है और तुम उसको रख रहे हो 30 डिग्री पे, तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, इसलिए साइकिल नहीं बना देना, सर साइकिल बना दो, साइकिल अनस्टेबल होते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, अब हम नाइट्रोजन वाला केस हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं लोन पेयर जो डोनर होता है, और एक लोन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही बन रहा होना ना, एक डोनेट कर रहा है लोन पेयर, एक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर जो डोनर होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लुईस, क्या बोलेंगे, बेस, क्या बोलेंगे, लुईस बेस के नाम से जानते हैं। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होने का मतलब उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी लोन पेयर एक्सेप्टर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा, हम उसको किस नाम से जानेंगे, लुईस एसिड के नाम से जानेंगे। अच्छा, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना। अब ध्यान दो, BF3 अगर हम बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो बोरॉन के बारे में हम जानते हैं कि तीन बॉन्ड बनाता है, ध्यान से सुनना, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है ना, आफ्टर फॉर्मेशन थ्री बॉन्ड, बोरॉन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, 1s2 2s2 और 2p1, ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट नहीं लाया हूं, अभी आगे आएगा, अभी ये चीज समझा रहा हूं कि बोरॉन के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे हम, तो ये दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन हो गया, बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया है यहां पे, तीन, ये इलेक्ट्रॉन से यहां जंप हो जाएगा, तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तीन बॉन्डिंग, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ थ्री बॉन्ड इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, यानी ये केवल BCNOF बॉन्ड बनाने के पास केवल बोरॉन ही ऐसा होता है जो तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी एक उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, बाकी के पास बॉन्ड बनाने के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े थे एनोमिलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड में आफ्टर
कंप्लीट देयर बॉन्डिंग. किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता एक्सेप्ट बोरॉन. बोरॉन के पास, अभी मैं सोचना कि सर कार्बन के पास तो अभी अभी था, कार्बन के पास वो सीओ में था, नॉर्मल चार बॉन्ड बनाते समय नहीं था. नॉर्मल जब कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो नहीं था वो. कार्बन का चेक कर लो एक बार बना के, 1s2, 2s2 और 2p2. यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? दो. यहां पर कितने हैं? दो. तुम बोलोगे सर अनपेयर्ड है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये क्या होगा? जम मारेगा. तो आफ्टर कंप्लीटिंग चार बॉन्ड क्या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बचा क्या? नहीं. ऑक्सीजन का चेक कर लो, 1s2, 2s2, 2p4. अब ये मत बोला कि सर वो तो पेयर्ड हो जाएगा तो उसमें बचेगा है ना. नहीं, नॉर्मल केस में हम बातें कर रहे हैं. क्या नॉर्मल केस में वैकेंट ऑर्बिटल है क्या इसके पास? नॉर्मल केसेज में वो तो स्पेशल केसेज था जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहा था, पेयर्ड हो जा रहा था. नॉर्मल केस में क्या इसके पास हो पा रहा है क्या? नहीं. याद रखना केवल इसके पास बोरॉन ऐसा है जिसके पास तीन बॉन्ड बनाने के पास बाद भी क्या होता है? एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है. इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखना, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके पास. अब हम बात करते हैं NH3 का, अमोनिया का. अमोनिया के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और आफ्टर अमोनिया नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होगा इसका, होगा ना. तो अमोनिया इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है. तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसको हम किस नाम से जानेंगे? दिस वन इज एक्ट एज ए लुइस. जिसके पास लोन पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुइस बेस बोलते हैं. जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट. तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये BF3 को, अब BF3 में क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना. अब इसका रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? अमोनिया से. अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर. तो दिस वन इज ए लुइस एसिड और दिस वन इज ए, तो रिएक्शन तो होगा ना एसिड बेस का. रिएक्शन कैसे होगा? ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा? शेयर करेगा. समझ में आया क्या? अब ये मत सोचना कि सर ऑक्टेट से ज्यादा हो जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका. तो ये अपना लोन पेयर, जो अमोनिया अपना लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या किया? शेयर किया. क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल. इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है, पहले नहीं था, अब कंप्लीट भी हो गया. तो एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन हुआ. तो ऐसे केसेज में हम सॉल्ट नहीं बोलते. एसिड जब लुइस एसिड और लुइस बेस का रिएक्शन होता है, यानी एक लोन पेयर डोनेट करता है और एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, वैसे केस में एक लुइस एसिड और एक लुइस बेस जब रिएक्शन करता है तो हम सॉल्ट नहीं बोलते, उसको एडक्ट के नाम से जानते हैं. क्या बोलेंगे? एडक्ट. तो दैट इज सॉल्ट के बदले एडक्ट बोला जाता है. सॉल्ट नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? एडक्ट. तो लुइस एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है सॉल्ट बनता है, लेकिन जब लुइस एसिड और लुइस बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एडक्ट बनेगा. और वहां पर कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना. तो इसको हमने पढ़ाने के पीछे कोऑर्डिनेट में ही पढ़ाते हैं कि यहां पर इसके पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के पास और एक वैकेंट ऑर्बिटल के पास, यानी लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है. इसके पास क्या है? तो एक लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा? डोनेट करेगा. दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? यानी एक लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी सॉल्ट के बदले हम एडक्ट का नाम से जानते हैं. तो इन नाइट्रोजन एंड इन बोरॉन वन बॉन्ड विल फॉर्म, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
दोनों को बनने को एडक्ट बोलेंगे, बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो याद रखना, बोरॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। तो आगे अब पूछा जाएगा कि BF3 में और NH3 में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इन BF3 यानी लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में, तो दिस वन विल बी डोनर और दिस वन विल बी एक्सेप्टर, दिस वन इज डोनर, क्योंकि जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं, और दिस वन इज एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है ना। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, डोनर शुड हैव लोन पेयर और एक्सेप्टर शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वही मैं दिखा रहा हूं कि कहां कहां वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हें दिख रहा है, और लास्ट में एक बार कंक्लूजन बता दूंगा कि यहां यहां वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आगे जब जब तुम बॉन्ड बनाओगे तब तब इस चीज को जरूर एनालिसिस करोगे कि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि लोन पेयर तो दिख जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखता है। तो आगे से ध्यान रखना, बोरॉन जब भी बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जरूर रहेगा। समझ में आया गया। तो अब मैं धीरे धीरे आगे चल के कंक्लूजन बता दूंगा कि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। नॉर्मल केस में यानी कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला अलग केस है, वो पेयरिंग हो रहा था, समझ में आया गया। नॉर्मल केस में केवल बोरॉन के पास होता है सेकेंड पीरियड में, और भी होगा, समझ में आया। इसीलिए बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, चार होता है। देखो कितना बॉन्ड बना है, एक दो तीन, और ये चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यानी बोरॉन तीन कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी चार माना जाता है। तुम जाके पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे, वहां चार लिखा हुआ मिलेगा। तो बोरॉन फॉर्म थ्री कोवैलेंट बॉन्ड एंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आया क्या। तो हम नोट डाल के लिख लेंगे कि ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन इट विल फॉर्म थ्री कोवैलेंट बॉन्ड, थ्री कोवैलेंट बॉन्ड प्लस वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी चार होगा। तो अगर नाम लिया जाए कि सर मैक्सिमम कोवैलेंसी चार, मैं उसमें बोला भी था कि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी चार कैसे होता है। तो तीन कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना लेगा, वैसे केस में मैक्सिमम चार कोवैलेंसी होता है। कोई डाउट है? तो जब जब बोलेगा मैक्सिमम, मैं ये सब चीजें बता रहा हूं एग्जांपल के साथ, लास्ट में सब कंक्लूज बता दूंगा कि बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, फिर सब आ जाएंगे वैलेंसी के ऊपर। ये सब चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे मैक्सिमम वैलेंसी आया, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद उस चीज को एनालिसिस करना जरूरी है कि बोरॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी चार कैसे होता है, लुइस एसिड क्या है, लुइस बेस क्या है, लुइस एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं। समझ में आया क्या। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के साथ साथ हम बाकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, और यही इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डाउट है? चलो तो इतना बताया, कल अभी और आगे हम कोऑर्डिनेट को पढ़ाएंगे। अभी एंड नहीं हुआ कोऑर्डिनेट, अभी हम कल आगे